हेलो फ्रेंड्स, आज से कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो लॉन्च किया था गूगल बार्ड के ऊपर। सो ये वीडियो आपके लिए है और ये गूगल बार्ड से रिलेटेड वीडियो। सो फ्रेंड्स, जैसे कि अगर आप लोग देखे होंगे कि चैट जीपीटी और गूगल बार्ड दोनों में बहुत ही अंतर, हालांकि इन दोनों का काम सेम है लेकिन अंतर बहुत है। क्योंकि जहाँ पे चैट जीपीटी जो है वो कुछ अलग ही आपका जो ये सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है, और गूगल बार्ड जो है ये आपको क्या करता है, रियल टाइम जो अभी लेटेस्ट डेटा है उसके हिसाब से ये आपको डेटा प्रोवाइड करके दे देता है। सो अब जो नया अपडेट निकल के आ रहा है वो है गूगल बार्ड की तरफ। गूगल बार्ड अपने आप को डे बाय डे बहुत ही एनहांस कर रहा है और बहुत सारा फीचर्स वो लेके आने वाले हैं अपने यूजर्स के लिए। सो आज इस वीडियो में यही जानने वाले कि गूगल बार्ड कौन कौन से फीचर्स लेके आ रहे हैं और कौन कौन से यूजफुल होंगे आपके लिए और कौन से नहीं होंगे, तो सारा कुछ हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड ज्यादा शेयर। फिर मिलते हैं आगे। सो जो सबसे पहले जो अपडेट है वो ये है कि बार्ड इज नॉट अवेलेबल इन न्यू प्लेसेस एंड लैंग्वेजेस। तो अब बार्ड आपके 40 नए भाषाओं में मिलता है, जैसे अरबिक, चाइनीज, जर्मन, हिंदी, स्पेनिश और भी बहुत सारे। और अब बार्ड का लाभ उठा सकते हैं यूरोप के सारे 27 देशों में और ब्राजील में। सो ये बहुत ही शानदार अपडेट आया है। अब चलते हैं इसका जो दूसरा अपडेट है उसकी ओर। तो इसका जो दूसरा अपडेट है ये है कि जैसे गूगल लेंस जो है, गूगल लेंस का भी सपोर्ट है अब गूगल बार्ड में। तो दोनों, जैसे कि आप जानते हैं गूगल लेंस और गूगल बार्ड दोनों ही गूगल का प्रोडक्ट है, तो ये दोनों को मर्ज होने ही थे। तो अब आप क्या कर सकते हैं, नॉर्मली फोटो क्लिक कर सकते हैं, फोटो क्लिक करके अपलोड कर देंगे और अपलोड करने के बाद क्या होगा, जो भी आपका टेक्स्ट है वो आज फेस करेगा, फेस करके उसका जो रिजल्ट होगा वो रिजल्ट आपको प्रोवाइड कर देगा। सो अब आप बार्ड में टेक्स्ट के साथ साथ इमेजेस भी अपलोड कर सकते हैं और अपनी कल्पनाओं और क्रिएटिविटी को एक नए लेवल पर ले जा सकते हैं। बार्ड में गूगल लेंस का इस्तेमाल करके आप इंग्लिश में शुरुआत कर सकते हैं। अब जो तीसरा अपडेट है, बार्ड कैन रीड रिस्पॉन्सेस आउट लाउड। कभी कभी कुछ चीजें सुनना उन्हें पढ़ने से अलग ताजगी और नई सोच लाती है, इसलिए हमारे बार्ड में टेक्स्ट टू स्पीच का भी फीचर ऐड किया गया है, जिसमें हिंदी, स्पेनिश और यूएस इंग्लिश भी है। और जो चौथा अपडेट है वो है पिन एंड रिसेंट थ्रेड। जैसे कि आप लोग चैट जीपीटी में देखो, चैट जीपीटी में क्या था कि वहाँ पे पहले का जो पास्ट कन्वर्सेशन वहाँ पे प्रेजेंट रहता था, अब उसी की तरह गूगल बार्ड में भी अब आपका क्या होगा, अब आप अपने पास्ट बार्ड कन्वर्सेशन को आसानी से एक्सेस कर सकते हैं और उन्हें अपनी जरूरतों के मुताबिक ऑर्गेनाइज भी कर सकते हैं। कन्वर्सेशन को पिन करके रीनेम करने का भी ऑप्शन है और आप एक साथ कई कन्वर्सेशंस भी चला सकते। अब बात करते हैं अपने पांचवा अपडेट। जो पांचवा अपडेट है इसमें क्या है कि आप अपना जो बार्ड कन्वर्सेशन है ये दूसरों के साथ शेयर कर सकते हैं। सो शेयर योर बार्ड कन्वर्सेशन विद अदर्स। बार्ड ने हमारे लिए एक नई सुविधा ऐड किया है। अब आप अपनी बार्ड चैट को किसी के साथ भी शेयर कर सकते हैं। शेयरेबल लिंक से आपके क्रिएशन और कोलैबोरेशन को दुनिया के साथ साथ शेयर करने में आसानी हुई। अब जो छठा अपडेट है वो है मॉडिफाई बार्ड रिस्पॉन्सेज। सो कभी कभी कुछ माइनर ट्विक्स जरूरी होते हैं, इसलिए हमने बार्ड के रिस्पॉन्सेज को मॉडिफाई करने की सुविधा ऐड की है। आप बस एक टैप से रिस्पॉन्स को सिंप्लीफायर, लॉन्गर, शॉर्टर, प्रोफेशनल या कैजुअल भी बना सकते हैं। अब जो लास्ट जो अपडेट है, लास्ट अपडेट है कि एक्सपोर्ट पाइथन कोड टू रेप्लिक। आपके प्रोग्रामिंग टास्क को और भी आसान बनाने के लिए बार्ड कैपेबिलिटीज को और भी बढ़ाया गया। अब आप पाइथन कोड को गूगल कोलैब के साथ साथ रेप्लिक में भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थे कुछ नए अपडेट्स बार्ड के। आप इनका लाभ उठाएं और अपनी क्रिएटिविटी और प्रोडक्टिविटी को एक नए लेवल पे ले जाएं, बार्ड आपके साथ साथ आपकी आइडियाज के साथ। सो फ्रेंड्स, आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड ज्यादा शेयर कीजिएगा।